हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट या रॉन्ग डेट ऑफ जॉइनिंग अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी भी रीजन से एम्प्लॉयर या हमसे रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट इंटर हो जाता है हमारे पीएफ अकाउंट में, तो उसे कैसे सही किया जा सकता है, कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे और जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीजों का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम epfindia.gov.in की वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड इंटर कर देंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर हमें डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दिखाई देता है। ईपीएफ और ईपीएस दोनों का हमें डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दिखाई देता है। हमारे केस में डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ रॉन्ग है, ये जो यहाँ पर 2012 दिखाई दे रहा है ये रॉन्ग है। हो सकता है आपके केस में डेट ऑफ एग्जिट रॉन्ग हो, या हो सकता है आपके केस में डेट ऑफ जॉइनिंग रॉन्ग हो, या दोनों भी रॉन्ग हो, तो आप हम जो स्टेप्स यहां पर दिखाने वाले हैं उसको आपको फॉलो करना है। हमारे केस में यहां पर डेट ऑफ एग्जिट दिखाई दे रहा है 2 अक्टूबर 2012 को, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन 2012 के बाद भी गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देना है कि अगर रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट या रॉन्ग डेट ऑफ जॉइनिंग अपडेट हो जाए और हम अपने पीएफ विड्रॉल का क्लेम करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा और रीजन पूछेगा हमसे ईपीएफओ ऑफिस कि क्या रीजन है कि इस तरीके से डिफरेंस दिखाई दे रहा है डेट ऑफ एग्जिट में और पासबुक में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब है हम ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए डेट ऑफ जॉइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट अगर रॉन्ग हुआ है तो इसको सही समय पर हमें अपडेट करा लेना है। अब कैसे अपडेट कराना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अब सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल में जाकर पीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन, और ये देखिए सबसे पहला सर्च जो हमें दिखाई दे रहा है NIELIT.gov.in, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यहां पर जॉइंट डिक्लेरेशन बाय मेंबर एंड एम्प्लॉयर डेट ये हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक जैसे करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। यह एक जॉइंट डिक्लेरेशन है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, इन केस अगर हमारा डेट ऑफ एग्जिट या डेट ऑफ जॉइनिंग रॉन्ग दिखाई दे रहा है पीएफ पोर्टल पर, तो उसको हम खुद से, मतलब एम्प्लॉय खुद से उसको सही नहीं कर सकता ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसके अलावा इन केस अगर हम कहेंगे एम्प्लॉयर से या कंपनी से कि हमारा रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट सही कर दो, तो कंपनी भी इसको सही नहीं कर सकता है। तो रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट हो या डेट ऑफ जॉइनिंग हो, तो उसके लिए हमें यह जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है और इसमें इम्प्लॉई और कंपनी दोनों का कंसेंट लगता है, दोनों को मिलकर यह फॉर्म भरना पड़ता है, कोई एक अकेला इस फॉर्म को भर नहीं सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके का फॉर्म है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। हमने डाउनलोड भी कर लिया हुआ है और थोड़ा जो इम्पोर्टेंट बेसिक डिटेल्स हैं उनको भर भी लिया है, ताकि टाइप करने में ज़्यादा समय ना जाए। अब यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म है और सबसे पहले हमें डेट इंटर कर देना है। दोस्तों, आप चाहें तो इसको टाइप भी करवा सकते हैं, या तो चाहे तो आप इसका प्रिंटआउट निकाल के पेन से भी भर सकते हैं। तो जिस तरीके, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर, तो हमारा ज्यूरिसडिक्शन आता है बांद्रा मुंबई 1। आपका जो भी ज्यूरिसडिक्शन होगा आपको यहां पर इंटर करना है। उसके बाद सब्जेक्ट है जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड द एम्प्लॉयर। उसके बाद नीचे आएंगे तो आई, और यहां पर देखिए हमें अपना नाम इंटर करना पड़ेगा, एम्प्लॉई का नाम यहां पर आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर कंपनी का नाम आएगा। दोस्तों, ध्यान देना, कंपनी का नाम आपको कंप्लीट नेम लिखना है, शॉर्टकट नेम नहीं लिखना है। जैसे कि हमने सर्विस हिस्ट्री में देखा था, ये देखिए सर्विस हिस्ट्री में, तो जो यहां पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है वही नाम आपको इंटर करना है फॉर्म में भी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर हमें इस तरीके से हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हमें एक करेक्ट का कॉलम दिखाई दे रहा है और एक रॉन्ग का। नीचे आएंगे तो यहां पर डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ लिविंग दोनों का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमारे केस में डेट ऑफ लिविंग रॉन्ग है, तो हम रॉन्ग वाले कॉलम में जाएंगे और डेट ऑफ लिविंग वाले बॉक्स में हम इंटर कर देंगे डेट जो अभी हमारे सर्विस हिस्ट्री में दिखाई दे रहा है। हमारे सर्विस हिस्ट्री में अभी डेट दिखाई दे रहा है 2 अक्टूबर 2012, ये रॉन्ग वाला है, ठीक है, ये हमने इंटर कर दिया।
अब सही डेट ऑफ लिविंग क्या है वो हमें करेक्ट वाले में इंटर करना है। तो सही डेट ऑफ लिविंग है ये हमने इंटर कर दिया 5 अगस्त 2018। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इंटर करना है दोस्तों, ध्यान देना है इस कॉलम में रॉन्ग वाला इंटर करना है और इस कॉलम में राइट वाला जो कि हमें अपडेट कराना है फ्यूचर में। उसी तरीके से अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग रॉन्ग है तो आप यहां पर इंटर कर सकते हैं रॉन्ग वाला और उसके बाद यहां पर करेक्ट वाला, तो यही बस आपको करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको बताया जाता है कि आपको एक आईडी प्रूफ भी देना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब आईडी प्रूफ का जेरोक्स निकाल के उस पर साइन करके आपको देना है इस फॉर्म के साथ में। तो आईडी प्रूफ में क्या है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इसमें से कोई भी एक आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और तो यहाँ पर योर फेथफुली नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब हमारा नाम यहाँ पर आ जाएगा और इसके आगे हमें साइन करना है। जब प्रिंट आउट इसका निकालेंगे तो इसके आगे हम साइन कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ अथोराइज्ड सिग्नेटरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो सिग्नेचर विथ स्टेबलाइजमेंट सील, तो कंपनी का यहाँ पर स्टैंप आपको अटेस्टेड करवा लेना है और उसके बाद साइन यहाँ पर आपको करवा लेना है जो अथोराइज्ड पर्सन है कंपनी का। दोस्तों ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंपनी के सील और साइन के ये फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम पूरा फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद एक आईडी प्रूफ हमें लगाना है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया पैन कार्ड या आधार कार्ड लगा सकते हैं। फॉर्म के साथ आईडी प्रूफ लगाकर इसको आपको कंपनी में सबमिट करना है। कंपनी इस फॉर्म को चेक करके इसे पीएफ ऑफिस में सबमिट करेगा, तब पीएफ ऑफिस से ही हमारा रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट या रॉन्ग डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आपको ध्यान रखना है। हम खुद से नहीं कर सकते और ना ही कंपनी कर सकता है, ये अपडेट सिर्फ पीएफ ऑफिस में ही होगा, अभी उनके पास ही राइट्स है। तो ऑफलाइन प्रोसेस है, इसलिए आपको जो भी डिटेल यहां पर फीड करना है उसको चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार ये फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर से अगर ये फॉर्म आप भरेंगे तो फिर से एक महीना आपका जाएगा और काफी समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरतिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दोस्तों अभी ऑफलाइन प्रोसेस ही है, हमारे पास ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। आई होप कि ईपीएफओ जल्द ही ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे ताकि हम अपना डेट ऑफ एग्जिट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट कर सके अगर रॉन्ग हो तो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।